नगर के युवाओं द्वारा एक भक्त मंडल की ओर से प्रतिवर्ष नवरात्रि में कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसी के तहत नवरात्र के पहले दिन मंडल के युवाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया। पिछले 8 वर्षों से स्कूलों में कन्या पूजन और खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया जाता रहा है। आज भी कस्तूरबा कन्या आश्रम बेटमा में बेटमा के कन्याशाला भक्त मंडल द्वारा कन्या पूजन किया गया, साथ ही उनका आशीर्वाद लेकर खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर कस्तूरबा आश्रम बेटमा की प्राचार्य सुश्री संध्या तिवारी और शिक्षिकाओं के साथ 108 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्या पूजन करने के लिए मंडल के समस्त सदस्य मौजूद रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगा, हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। ये घर घर जाकर जैसे कन्याओं को जिमाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे जाकर तरक्की करें और अच्छे से अच्छी पद पे जाए। 8 साल से ये आयोजन चल रहा है। आमतौर पे घर पे आपके अपने नवरात्रि के अंदर बच्चों को खाना खाने बुलाते हैं। बच्चियाँ कौन सी आती है, देवी स्वरूप नो जो अपने घर की बच्चियाँ, अपने आसपास की बच्चियाँ आती है। वो बच्चियाँ एक दिन में 5 से 6 जगह खाना खाने प्रयास करने जाती है, 5 से 6 जगह। हमारा उद्देश्य था कि यार ऐसी बच्चियाँ जिनको कोई नहीं बुलाता हो, जिनकी पूजन नहीं होती हो, तो छात्रावास में रहने वाली ये कन्याशाला स्कूल में, सरकारी स्कूल में रहने वाली वो बच्चियाँ, उनका पूजन पूरे कन्याशाला भक्त मंडल पूरी टीम के साथ हम करते हैं और 8 साल से लगातार करते आ रहे हैं ये। और पूजन करने के अलावा जब पूजन जो करता है देवियों का, कन्याओं का, उसको पैसे नहीं देते हुए 20 रुपये का रजिस्टर और पेन उसको देते हैं, ताकि सब बच्चों को इस बहाने बैग, रजिस्टर, पेन, कॉपी हमेशा हर साल हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में शासन प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहां सरकार से उन लोगों के लिए भी बधाई के पत्र आ रहे हैं जिनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना में